हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रशिल भट्ट और आप देख रहे हैं माय कार कलेक्शन। तो आज मैं उपस्थित हूँ एक एक्सयूवी 500 के साथ। लोग एक्सयूवी 500 भी बोलते हैं और कुछ लोग एक्सयूवी 500 भी बोलते हैं और कुछ लोग एक्सयूवी 500 भी बोलते हैं। तो आज हमारे पास है www.m2world.com से ऑर्डर की गई एक महिंद्रा मर्चेंडाइज लाइसेंस वर्जन एक्सयूवी 500, एक्सयूवी 500। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये एक्सयूवी है 500 मींस 500। ये एक महिंद्रा की बहुत ही पॉपुलर कार है और आपने शायरी से देखी भी होगी और सुनी भी होगी और कुछ लोगों के पास तो ये कार खुद होगी। तो आज मैं ये कार है जो मैंने एक्सयूवी 500 वो M2 वॉल से मंगाई है। हमेशा की तरह ये एक लाइसेंस वर्जन भी है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा ये सब बातों के साथ साथ इसके कुछ की फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन। तो एक्सयूवी 500 मींस एक्सयूवी 500 के ओनली डीजल वेरिएंट आता है। इसका जो इंजन है, मतलब इंजन, ये इंजन की बात हो रही है, ये वाला। अगर आपको दिखता है तो ठीक है, क्योंकि मोबाइल का सूट है तो इतना कुछ दिखता नहीं। हाँ, ये वाला इंजन, जो ये वाला इंजन है, ये 2719 मतलब 2719 सीसी का है। और ये जो है वो मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों में आती है। और इसका जो माइलेज है, मतलब ARAI सर्टिफाइड माइलेज, मतलब ऑटोमोटिव, मैंने इसके पहले के वीडियो में बोला था ARAI का फुल फॉर्म, उसका जो माइलेज है वो है 15 किलोमीटर पर लीटर। और ये फ्यूल टाइप सिटी में है। और जो सिटी माइलेज है उसका 11.83 मतलब 12 के अराउंड किलोमीटर पर लीटर का है। इसका जो मैक्स टॉर्क, मतलब इसकी जो शक्ति है, जैसे दिख ही रही है कि इसकी शक्ति बहुत ज़्यादा ही होगी, लेकिन इसकी शक्ति जो है वो मीडियम है। 1750 मतलब 1750 से लेकर 2800 तक का इसका जो टॉर्क है। इसके ट्रांसमिशन दो आते हैं, मैनुअल भी आएगा और ऑटोमेटिक भी आएगा। और इसका जो फ्यूल टैंक है, मतलब यार गाड़ी चलाने के लिए जो फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है डीजल, तो वो 70 लीटर यानी कि 70 लीटर्स का है। इसकी सीटिंग कैपेसिटी 7 है एज ऑफिशियल, लेकिन क्या है, इंडिया में इसके अंदर 8 और 9 भी लोग भरे जा सकते हैं। और इसका जो मैक्स पावर है, मतलब ये मैक्स स्पीड पे लिमिट करता है। और इसके जो कुछ की फीचर्स, मतलब कुछ ऐसा जो कि हर गाड़ी में होता है इसमें भी, वैसा पावर स्टेयरिंग है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मतलब ABS, मतलब आप कहीं पहाड़ी पे अगर टर्न ले रहे हैं स्पीड में तो ऑटोमेटिक जो आपकी कार की गति है वो धीमी हो जाती है, उसे ABS कहते हैं। और इसमें ड्राइवर एयरबैग, मीनिंग जो है वो ऐसे फुगे की तरह बाहर निकल के बचा लेती है ना, उसे एयरबैग मतलब ड्राइवर एयरबैग है। अगर आप हाई लेवल में जाते हैं, मतलब W7 इसका जो मॉडल है, W8, W11, उसमें अगर जाते हैं तो पैसेंजर एयरबैग भी आता है, लेकिन इसका जो मिनिमम मॉडल है उसमें आता है ड्राइवर एयरबैग। एलॉय व्हील्स है, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल है, एयर कंडीशन है, पावर विंडोज भी है, फॉग लाइट है फ्रंट में ओनली, रियर में नहीं। तो इसका आप थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। ये ऊपर से ऐसी है, सनरूफ भी आता है इसके अंदर, लेकिन क्या है, इसमें सनरूफ अभी खुलेगा नहीं। और क्या है, इसके अंदर भी जो है वो पूरा बनाने में ध्यान रखा गया है। और ये इसका जो ये आगे से, मतलब ऐसे जो साइड पे हमने पार्क किया तो ये कार कुछ ऐसी दिखती है कि कभी थोड़े टाइम से आप ये कार का व्यू ऐसा तो देख रहे हैं, आगे से ये कार ऐसी दिखती है, मतलब हाँ ओके। ये ग्रिल का जो है वो थोड़ा सा दिख रहा है इसमें, तो ये आगे से कार ऐसी दिखती है। और हाँ,
पीछे से कार ऐसी दिखती है एज माय फेवरेट लुक ऑफ एक्सयूवी 500। और ये जो डिक्की ऐसे खुलती है इस तरह से ऑटोमेटिक, इस तरह से बटन दबाया और ये डिक्की ऐसे खुल गई, माय फेवरेट पोजीशन। और आप देख रहे हैं नंबर प्लेट भी लिखा हुआ है एक्सयूवी 500। इधर नंबर प्लेट पे भी लिखा हुआ है एक्सयूवी 500, मतलब एक्सयूवी 500। और ये जो इस कार में दिख सकता है क्योंकि थोड़ी रात हो गई है। अगली बार हमने जो बनाया था बोलेरो का वीडियो उसमें आपको लाइट्स नहीं दिख रही थी, जब ये ऐसे चलती है तो इसके अंदर जो है ये ऐसे लाइट होती है। हाँ देखो, है ना, अभी देखते हैं। ऐसे लाइट्स होते हैं, इसका जो पीछे का व्यू है, हाँ देख सकते हैं आप लोग अभी। हाँ ये पीछे का व्यू इस तरह का है। इसका जो कॉस्मेटिक है वो बहुत ही ध्यान रखा गया है। और इसमें डिकी, मतलब जो सामान रखने के लिए होती है, वो ओपनेबल है। दो डोर्स ओपनेबल है, हेडलाइट्स है और पीछे की डिकी ओपनेबल है। इसमें सनरूफ मूनरूफ ओपनेबल अभी नहीं है। और इसके अंदर आपको कुछ कलर वेरिएंट्स भी मिल जाएंगे। मैंने ये लिया है www.m2all.com महिंद्रा मर्चेंडाइज, मतलब मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ सिर्फ। तो मैं इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस तरह से ही आप देखते रहिए मेरी चैनल माय टॉय कार कलेक्शन और सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।